रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम कॉर्पोरेशन में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव हुए, जिसमें बतौर मेयर शोभा सोमनाचे और डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल को भाजपा की जानिब से बनाया गया। अगर देखा जाए तो कहानी पहले से ही तैयार थी। कन्नड़ रक्षण वेदिके की जानिब से कन्नड़ उम्मीदवारों को बनाने की मांग थी, लेकिन आने वाले चुनाव के मद्देनजर मराठी कॉर्पोरेटरों को ही मौका दिया गया। जाहिर है बेलगाम में मराठी वोटरों की पकड़ काफी अच्छी है, लेकिन भाजपा को अब तमाम सियासी पैंतरे हासिल हुए, लिहाजा कब कैसे किस वक्त कौन सी चाल खेलनी है इसका अच्छा खासा तजर्बा भी भाजपा को हो चुका है। भले ही बेलगाम सरहदी मामला हमेशा सुलगता रहता है, इसके बावजूद भी भाजपा ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए मराठी कॉर्पोरेटरों को ही मौका दिया। वैसे भी चुनाव नजदीक है, पहली मर्तबा सियासी पार्टियों के निशान पर चुनाव लड़े गए और अक्सरियत हासिल करने में भाजपा कामयाब रही। इसके बाद तवील अरसे तक कॉर्पोरेशन में दाखिला न देना या फिर मेयर डिप्टी मेयर चुनाव तकरीबन 15 महीने तक न करना, इसके पीछे भी भाजपा की पैंतरेबाजी ही कह सकते हैं। मराठी वोटरों के साथ मराठी कॉर्पोरेटरों को भी अपने तरफ माइल करने में भाजपा कामयाब रही। कन्नड़ रक्षण वेदि की कोशिश की तरफ बड़ी चालाकी के साथ नजरअंदाज भी किया। खैर, इन तमाम में सबसे इम्तिहान का वक्त यूं कहिए कि उन 14 उर्दू कॉर्पोरेटरों का है, और आज ही से इनका इम्तिहान का दौर शुरू हो चुका है। इसकी पहली झलक देखने को मिली आज जब काउंसिल में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव हो रहे थे, तो महज कुछ मिनट देरी की वजह से इन्हें काउंसिल में दाखिला न दिया गया। काफी देर तक बाहर बिठाने के बाद एहतजाज भी किया गया, जिसमें सोहेल संगोली, जरीन फतेह खान और खुर्शीद मुल्ला तीनों दरवाजे पर खड़े रहे। फिर दरवाजे के सामने बैठकर उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जाहिर इस बात से इतना जरूर मालूम हुआ कि आखिर उर्दू कॉर्पोरेटरों का पहला दिन ही भले तीन ही क्यों ना हो, पर एहतजाज करने में गुजरा। आखिर जो भी बड़े लोग या कांग्रेस के आला लीडर है, जो रियासती सतह पर अपनी साख और रसूख रखते हैं, बात बात को इजाजत और मशवरा तलब करते हैं, आखिर इस वक्त कहां थे? और फोन के जरिए तीन कॉर्पोरेटरों को वह दाखिला दिला सकते थे, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि महज तीन मिनट की देरी क्या इतनी मायने रखती है कि अवामी नुमाइंदों को बाहर खड़ा कर दिया जाए, जबकि 15 महीने के बाद इस चुनाव का मुहूर्त हासिल हुआ था, भले ही सियासी मफाद के तहत ही क्यों ना हो। और जब कांग्रेस के तीन कॉर्पोरेटर बाहर खड़े होने की खबरें भी उन लीडरों को मालूम हो रही होगी, लेकिन किसी तरह काफी अरसे तक बाहर रुकना इसे गैर मामूली ही कहा जा सकता है। हासिल इत्तला के मुताबिक जरीन फतेह खान को लाने के लिए सोहेल संगोली कॉर्पोरेशन के गेट की तरफ गए, और उसी वक्त खुर्शीद मुल्ला वहां आए, और महज कुछ ही मिनटों की देरी को लेकर वहां मौजूद अफसरान ने दाखला नहीं दिया। भले ही आज उर्दू कॉर्पोरेटर से मामूली बात समझ रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उर्दू कॉर्पोरेटर की कैफियत क्या होगी इसकी झलक कह सकती। यकीनन वक्त पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन 15 महीने चुनाव के लिए देरी हो सकती है, और महज तीन मिनट के लिए कार्रवाई कहां तक सही है? फिर 15 महीने देर करने वालों पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? हर बात कायदा प्लस कानून पर उंगली रखकर नहीं होती, कुछ जगहों पर रियायत देनी भी पड़ती है, लेकिन आज का दिन यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाला। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नज्म जब्त को भी मानना पड़ेगा। कैसे आपसे इख्तलाफात के बाद भी मुनज्जम हो जाते हैं? कन्नड़ मराठी तनाजा भले ही कितना भी शिद्दत अख्तियार कर ले, लेकिन उनके लीडरों की रहबरी और रहनुमाई ने जीत दिलाने में हमेशा कारगर साबित होती है। यहाँ तो विरोधी गुट नेता को इन 14 लोगों में इत्तेफाक नहीं है। इत्तेहाद का मतलब यही होता है कि इख्तलाफात के बावजूद मुत्तहिद हो जाना, लेकिन इस बात की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। शुरुआत में बेलगाम के तमाम मुसलमानों को भी खुशी और फख्र था कि एक साथ इतने उर्दू कॉर्पोरेटर, और तारीखी मामला था, एक तारीखी मंजर था कि इतने कॉर्पोरेटरों ने एक साथ जीत दर्ज की है। देखने में ये आ रहा है कि हर कॉर्पोरेटर का कोई ना कोई गॉडफादर है, और वो उसे पूछ कर ये आगे कदम बढ़ाता रहता है। कुछ अपक्ष हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, लेकिन वो उर्दू भी उसी कांग्रेस के जमरे में लिया जाता है। एक बेचारा है जिसकी नजर हैदराबाद की तरफ रहती है, जाहिर है इसमें कौमी उफात नजर नहीं आता। खैर, टाउन कॉर्पोरेटरों में 55 नए हैं। मुजम्मिल डोनी, रवि धोत्रे तीन मर्तबा जीत दर्ज कर चुके, तो अजीम पटवेकार दूसरी मर्तबा जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। तकरीबन अगर काउंसिल में देखा जाए तो 58 कॉर्पोरेटरों में 55 तकरीबन सभी को तजर्बा बिल्कुल नहीं है, और तमाम कॉर्पोरेटरों के लिए कॉर्पोरेशन के काउंसिल में बात करना भी नया तजर्बा कर सकते हैं। पहले यानी कि पहले जब चुनाव हुआ करते थे, पहले वार्डो में तरक्याती काम न होने पर कॉर्पोरेटरों की जानिब से सवाल किए जाते थे, बाज़ोकत तो काउंसिल में बहस हुआ करती थी, और तजर्बेकार लोगों की रहनुमाई भी बारहा हुआ करती थी। कन्नड़, मराठी या उर्दू कॉर्पोरेटरों में वार्ड के कामों को लेकर तबादले ख्याल भी हुआ करता था, लेकिन अब एमएलए का दखल होने लगा है। और जब पार्टी के निशान पर अब चुनाव हुए हैं, तो भाजपा और कांग्रेस इस तरह के दो गिरोह
बट गए हैं। अब तो अकलियतों के वार्ड में तरक्याती कामों को अंजाम देना भी मुश्किल होता जा रहा है। बारिश में निचले इलाकों में काफी पानी घरों में दाखिल होता है और बरसों से मसला उसी जगह पर खड़ा है। अगर देखा जाए तो शहर को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। एक तरफ तमाम सहूलतें, स्कूल, कॉलेज, बैंक, ATM देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको किसी तरह के तरक्याती कामों का काम धीमी रफ्तार से होते देखा जा रहा है। फिर ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि गैर कानूनी कॉलोनियां हैं और ये 100 रुपए की बॉन्ड पे बनाई गई है। तो इस तरह के तमाम कहानियां धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही समाज की कॉलोनियां गैर कानूनी है? अब तो इबादत गाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम के बावजूद सवाल तो उसी जगह पर रहता है कि क्या उर्दू कारपोरेटरों की साख आखिर कहां तक बाकी है? इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस पार्टी के निशान पर बने 3 कारपोरेटर, जिसमें से 2 तो कांग्रेस के निशान पर और एक इंडिपेंडेंट कारपोरेटर है, और खासकर उर्दू कारपोरेटर मेयर चुनाव को महज 3 मिनट की देरी, क्या वाकई इतना बड़ा जुर्म था? और कांग्रेस के बड़े लीडर इस वक्त कहां थे? इन सवालों के जवाब शायद कारपोरेटर खुद भी देना नहीं चाहते, क्योंकि बड़े लीडरों की भक्ति शायद इन्हें कुछ बोलने नहीं देती। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मसाइल दरपेश है। धर्म मजहब के नाम पर इबादत गाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मोहल्ले की जिम्मेदारी इन्हीं कारपोरेटरों पर है। अगर 14 कारपोरेटर मुत्तहिद होकर आवाज उठाते हैं तो शायद इनकी आवाज काउंसिल में गूंज भी सकती है, वरना तो बड़े लीडरों के मातहत होठ हिलाने वाले शायद हर मसले पर खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर जो होते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मी कृष्ण
ಬೆಳಗಾವಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೇಯರು ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶೋಭಾ ಸೋಮನಾಚೆ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ आज तुमने बाहर बिठाया गया था, इसकी वजह क्या थी? तो 3 मिनट का इलेक्शन अंदर चल रहा था, लेकिन 3 मिनट का लेट होने के साथ हमारे को बाहर बताता है. हाँ हाँ, तो किसको किसको बाहर बिठाया? वो सोहेल और कुर्शीद और हम. अच्छा, विपक्ष के तौर पर तुमने एक अलग मतलब बीजेपी तो हुकूमत में है, डिप्टी मेयर और मेयर भी उन्हीं का बनाया गया. तो आप बतौर विपक्ष का यानी कि गठ नेता किसको मुंतखब करते हैं? किसको हम सपोर्ट कर रहे हैं?